हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आपकी आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैटिक की अपडेट वीडियो है ये, और इसमें मैं आप लोगों को मैटिक के प्राइस जो है एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर है नहीं। मैटिक यहाँ पर रेगुलर नॉर्मल करेक्शन ले रहा है, क्योंकि BTC जो है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, और उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैटिक भी नीचे आ गया। बट बहुत से ऑल्ट्स ऐसे हैं जो कि अपवर्ड मोशन में हैं, यानी कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर मैटिक क्यों नीचे है? मैटिक का एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर मैटिक ने एक पंप लिया, एंड मैटिक का ये जो जोन है एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा जोन? 1.782-1.65, जिसको ये पार नहीं कर पाया। अगर मैं उसमें बात करूँ तो 120 रुपये के आसपास के ऊपर का लेवल जो है इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर से ये बन गया और फिर हम नीचे आ गए। अभी करेंटली जो मैंने आपको ये रेंज बताई थी, उस रेंज में हम लोग चल रहे हैं, और रेड कैंडल्स ही हमारी बन रही हैं इतने दिनों से पिछले। ठीक, तो ये जो रेड कैंडल्स हैं ये कोई अच्छा खासा यहाँ पर साइन है कि यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो EMA है आप देखोगे इसको टच करने यहाँ पर मैटिक आ रहा है। अब मेन चीज़ जो हमारे लिए होगी वो ये होगी कि यहाँ पर EMA को होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पर इस जगह पर इस एरिया में मैटिक को EMA जो है होल्ड करती हैं तो एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ से मैटिक ऊपर मोशन में जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर EMA, दोनों EMA को ही यहाँ पर मैटिक टच करते हुए आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर 55 की बात करूँ या 25 की बात करूँ, दोनों ही EMA यहाँ पर आप देखोगे टच करा इसने नीचे आके करेक्शन में, हर करेक्शन में नीचे आया। तो इस बार ये थोड़ा ऊपर चला गया था और इस बार टच करने के चांसेस नहीं थे, तो मैटिक फ़िलहाल नीचे आ रहा है। अब ये वाली EMA 25 है, ये 55 की, तो मेरे ख्याल से 25 से हिट होना चाहिए, या फिर 25 से हिट होना चाहिए इसको ऊपर वापस। तो देखते हैं, ये अगर नॉर्मल करेक्शन होगा तो ये जो EMA है इन पर टच करके ये वापस हिट ऑन करके ऊपर जाएगा। अगर ये नॉर्मल करेक्शन नहीं हुआ तो हम नीचे आ सकते हैं $1 की रेंज के आसपास। तो $1 जो हमारी रेंज है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। ऑब्वियस ही बात है, $1 पर हम मैटिक को फिर से एक्यूमुलेट करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये जो मैटिक नीचे आया ना, ये रेगुलर बिहेवियर है, कुछ भी नया नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ कब इसने किया था, आप जाके वजीर इसके चार्ट में देखना। मैटिक जब 30 रुपये के आसपास चल रहा था तो कुछ ऐसे ही बिहेवियर था उसका। असली बूस्ट लेने से पहले 30 रुपये के एकदम ही नीचे चला गया था मैटिक, और काफ़ी नीचे जा रहा था। पहले 30 रुपये की रेंज में ही कर रहा था ट्रेड, फिर उसके बाद ये नीचे चला गया काफ़ी समय तक। अगर मैं आपको INR में दिखाऊं मैटिक की अपडेट में, तो आप देखोगे यहाँ पर INR में अभी करेंटली हम लोग चल रहे हैं 102 रुपये के आसपास। तो मतलब 100 रुपीज़ का लेवल जो है वो होल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे 95 का लेवल मैंने आपको बताया था, 95 का लेवल आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आने के चांसेस ज़रूर हैं हमारे। ठीक, 13 अगस्त को हमने फिर हिट किया था 95, और अभी भी आने के चांसेस है। मैंने आपको 95 का बहुत पहले से बता के रखा है। तो 95 एक बाइंग जोन हो सकता है, और दूसरा हमारा नीचे आने के पर 78 या 80 रुपीज़ के आसपास, आप मान लो 84 रुपीज़ के आसपास का ये लेवल हो सकता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। फिर आगे अगर 12 आवर, ये 12 आवर का चार्ट है, 1 डे का चार्ट अगर हम देखें तो 1 डे में भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मैटिक अपवर्ड मोमेंट गया और नीचे आया, और ये करेक्शन आई थिंक टच करके ये EMA को ही मानेगा और ऊपर जाएगा। और EMA को टच करता है, आर्ट कॉइन्स तो अच्छा चल रहे हैं, और BTC भी कुछ ज़्यादा तेज़ी से नीचे नहीं आया, जिसकी वजह से ज़्यादातर ड्रॉप आए। इसलिए मैटिक जो कर रहा है वो एक ज़्यादातर चांसेस है कि ये जो चीज़ कर रहा है वो यहाँ पर EMA को टच करने के कर रहा है। आपको पता होगा कि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो करेक्शन जब करते हैं तो कुछ EMAs को फॉलो करते हैं, कुछ सपोर्ट लाइंस को फॉलो करते हैं। तो मे बी मैटिक जो है 55 या 25 की EMA को टच करने के लिए ही वापस आ रहा हो, एंड उसको टच करने पर यहाँ पर बाउंस बैक करके दिखा दे। तो ये चीज़ जो है मेरे को जो लगती है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर शेयर करी है। आपकी क्या राय है आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से अगर मैटिक का अभी लॉन्ग टर्म में मैं टारगेट दूँ तो $2 के ऊपर पहले हमें निकलना होगा, तभी हम यहाँ पर कुछ अच्छा बुलिश देख पाएंगे। पहली चीज़ मैंने आपको ये जो क्रिटिकल एंट्री बताई, मैटिक अभी भी इससे ऊपर नहीं है, इससे नीचे, तो इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत चिंता अब होने लगी है, क्योंकि सारे ऑल्ट्स ने लेवल तोड़ा है, इसने नहीं तोड़ा है। इस लेवल से ऊपर जब मैटिक चला जाएगा 1.78 के लेवल से, तो इससे ऊपर काफ़ी अच्छी बुल रन हमें देखने को मिलेगी मैटिक में, और $2 तो कुछ भी नहीं, $2 से $2.5 आराम से हम ऊपर जाएंगे। तो गाइस, ये थी मैटिक की अपडेट। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली समझ में आई होगी चीज़ें। अगर समझ में आई प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।